Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कहाँ जा रहे हो राज? मैं अब्बास से बात करने जा रहा हूँ। जैसा इशू इशू तो बन गया, लेकिन तुम अभी उनसे कोई बात मत करना। वो बहुत गुस्से में, वो कहीं कुछ करना दे। अवनी कुछ ना हो इसलिए तो मैं बात करने जा रहा हूँ। देखो अवनी, ये जो इशू है सिर्फ बातचीत से ही सॉल्व होगा और बात मुझे ही करनी पड़ेगी। राज प्लीज, तुम खुद को इसमें इन्वॉल्व मत करो। जब आभास भाई ने तुमसे कोई बात नहीं की तो तुम क्यों उनसे बात करना चाहते हो? मुझे जाने दो अवनी, वो हैंडीकैप, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ अवनी। और अब जो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है तो मैं उससे पीछे भी नहीं हट सकता। प्लीज अवनी, मुझे आभास से बात करने दो। आभास, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मैं तुझसे करूंगा ही, पर अभी नहीं, टाइम है अभी। राज, राज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं अर्पिता, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके अपनी, ये राज कहाँ गया है? वो आभास भाई से बात करने गया। आभास भाई गुस्से में थे तो राज को लगा कि उसे हैंडीकैम के इशू के बारे में आभास भाई से बात करनी चाहिए। आभास ने इतने सारे लोग मुझे मारने के लिए बुलाए हैं? कोई बात नहीं, बात तो मुझे करनी पड़ेगी। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। आभास, तो फिर आ गया यहाँ पे? आभास, इससे पहले कि तुम कोई स्टेप उठाओ, प्लीज मेरी बात एक बार सुन लो। मैं जानता हूं तुम्हारा ये गुस्सा हैंडीकैम को देख के आया है, और ये जायज भी है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो शायद समझ जाओगे कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। आभास, तुम्हें क्या लगता है जो तुमने किया वो गलत नहीं किया? तुम्हें शर्माने चाहिए राज, और शर्माने की जगह तुम मुझसे ही बहस कर रहे हो। वो तो मॉम डैड ने तुम्हें माफ कर दिया। अगर मैं होता ना तो मैं तो तुम्हारी वो आभास हाला... आभास प्लीज लिसन टू मी। हैंडीकैम में जो वीडियो था जो तुमने लैपटॉप में ट्रांसफर किया था, उसमें जो वीडियो तुमने देखा था वो... राज, राज जल्दी चलो मेरे साथ। अर्पिता, लेकिन मैंने कहा चलो मेरे साथ। अर्पिता, मुझे आभास से जरूरी बात करनी है, प्लीज। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करोगे? पूजा की रस्म में मुझे तुम्हारी जरूरत है राज, चलो। अर्पिता प्लीज। अर्पिता तुम समझ नहीं रही हो, मेरा आभास से बात करना बहुत जरूरी है। तुमने जो वीडियो हैंडीकैम से लैपटॉप पे ट्रांसफर किया था ना, उसमें कुछ ऐसा था तो मुझे उसमें मुझे पता है। क्या तुम्हें क्या पता है? वो सारी बातें पता है जो उस रिकॉर्डिंग में तुम्हारी जीजी तुम्हें समझा रही थी। तुम्हारी वो वीडियो आभास ने नहीं, मैंने देखी थी। राज, मुझे लगता है कि तुमको अवनी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। क्या जीजी, आपको अचानक क्या हो गया? आपने होली को वैलेंटाइन डे समझ लिया क्या? क्या तुमने? हाँ मैंने। आभास तो किसी और ही बात पे अपसेट है, उसने तो वो वीडियो देखा ही नहीं। मैंने वो वीडियो देखा और उसे लैपटॉप और चिप दोनों से डिलीट कर दिया ताकि और कोई ना देख ले। मैं कल से तुमसे इस बारे में बात करना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कभी अक्षत थे मेरे साथ या कोई पूजा की रस्म चल रही थी। थैंक गॉड वो वीडियो तुमने ही देखा। किसी और ने देख लिया होता तो पता नहीं क्या होता। ओ गॉड, अर्पिता तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना।
मैं जानता हूँ अवनी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और तुम्हें उसके अच्छे बुरे की फिक्र भी है, बट ट्रस्ट मी अर्पिता, मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। मेरे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अवनी है और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अवनी की खुशी है। I understand your feelings, Raj. और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। In fact, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम अवनी से प्यार करते हो। हाँ राज, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम मेरी अवनी को हमेशा खुश रखोगे। Oh God, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy. Oh, oh God, मैं बहुत खुश हूँ अर्पिता, मैं इतना खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो, मैं खुश हूँ कि जिसने जिसने मेरी वीडियो देख ली वो इतनी खुश है। अर्पिता, I know, मैं तुम्हें पागल लग रहा होगा, but मैं Not at all, Raj. मैं इन सारे इमोशन से गुजर चुकी हूँ। वैसे ये जोड़ी खूब जमेगी, मेरा भाई और अक्षत की बहन, परफेक्ट। वैसे तुमने तो अभी तक अपनी से कुछ कहा ही नहीं ना। डोंट वरी, तुम्हारे दिल की बात अब मेरे थ्रू अवनी तक पहुँचेगी और जरूर पहुँचेगी। बेटा, तूने बहुत ही अच्छी सेवा की है। तुझे शायद पता नहीं, मैंने जिस किसी कुंवारी लड़की को आशीर्वाद दिया है उसकी चट मंगनी और पट ब्याह हुआ है। देख लेना, तेरी जिंदगी में भी एक दूल्हे राज आएंगे जो तुझसे बहुत प्यार करेंगे। मैं अवनी से प्यार करता हूँ, ये बात तुम उसे बताना मत। पर क्यों राज, कोई इंसान अगर किसी से प्यार करता है तो उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए। यही अक्षत ने भी किया था राज। सोचो, अगर वो अपने दिल की बात मुझे नहीं बताते तो आज क्या हम एक साथ होते? अर्पिता, एक साथ होने के लिए दो दिलों में एक जैसी फीलिंग होनी चाहिए। मैं अवनी को अपने दिल की बात तभी बताऊंगा जब उसके दिल में अपने लिए मैं प्यार महसूस करूंगा। मैं उसे मुझसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता अर्पिता। शायद तुम ठीक कह रहे हो राज, तुमने उससे प्यार किया है तो अपनी फीलिंग्स उसे कब बतानी है इसका फैसला तुम्हें ही करना चाहिए। हाँ, और तब तक ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। मैंने तुम्हारा सीक्रेट रखा था, अब तुम्हें मेरा सीक्रेट रखना है, ओके? वो तो ठीक है राज, पर अवनी को तुम्हारे प्यार का एहसास कब होगा? प्यार कह के नहीं होता, बस हो जाता है। और प्यार अगर मेरे दिल तक पहुंचा है तो आई एम श्योर अवनी के दिल तक भी जरूर पहुंचेगा। नमस्कार शास्त्री। नमस्कार। नमस्कार, बहुत सही समय पे आया। जी सही कहा आपने, एकदम सही समय पर आया हो। नमस्कार बेटे, सुखी रहो। अवनी बेटे, तुम जिस तरह से इन सुहागनों की पूजा कर रही हो, सेवा कर रही हो, सच मन बड़ा प्रसन्न होता है। और देखना, बहुत जल्द तुम्हारी भी इसी तरह से पूजा होगी, सेवा होगी। शास्त्री जी, कम से कम आप तो शुरू मत हो जाइए। जब से भैया की शादी हुई है घर में सब लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं। माँ, आप तो कुछ समझाइए ना प्लीज। अवनी, उम्र इंसान की हो या गहनों की, बढ़ने लगे ना तो नुकसान ही होता है। और फिर मेरी शादी भी तो तेरी उम्र में हुई थी, तू भी कर ले। पापा, आप कुछ बोलिए ना। बेटा, तुम्हारी बुआ सब बिल्कुल ठीक कह रही, यही तो तुम्हारी शादी की सही उम्र है। इसी वजह से तो हमने तुमसे ये रस्म कराई है ताकि इन सुहागनों से तुम्हें आशीर्वाद मिले और तुम्हें एक बहुत अच्छा पति मिले। अवनी बेटा, हम तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं और आज शास्त्री जी भी इसीलिए यहाँ हैं। पर राज, अवनी बहुत ही इनोसेंट है, उसे तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ ही नहीं तो। अगर मेरा प्यार सच्चा है ना अर्पिता, तो अवनी को मुझसे प्यार जरूर होगा। और ये मेरी जिद नहीं, खुद के प्यार पे यकीन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुभ दिन पर शुभ समाचार सुनने को मिल गया। पहले अक्षत और अब अवनी के नाम की शहनाई बजे। बधाई हो सुकेत भाई साहब। भैया, अवनी की शादी ना अक्षत से भी ज्यादा धूमधाम से करना। आपकी इकलौती बेटी है, पूरे जयपुर को पता चलना चाहिए कि खंडेलवाल घराने से अवनी की डोली उठ रही है। अरे लो, अक्षत भी आ गया। नमस्ते। अरे अक्षत, नमस्ते नमस्ते बाद में करना, सबसे पहले खुशखबरी सुन ले, सुकेत भैया ने अवनी की शादी करने का फैसला कर लिया है।
अब देखिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।